वेलकम टू माई चैनल इस वीडियो में हम बात करें रिट्रीवल के बारे में एक इंटरेस्टिंग सा इजी सा कंसेप्ट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो रिट्रीवल इज एक्चुअली रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग एंड ब्रिंगिंग इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन मेमोरी बैक इनटू कॉन्शियस अवेयरनेस सो बेसिकली रिट्रीवल जो है वो हमारी मेमोरी में uh, कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस में सेव होती है और उसको रिकॉल करती है और रिमेंबर करती है प्रीवियस इवेंट को प्रीवियस एक्सपीरियंस को प्रीवियस इंफॉर्मेशन को राइट रिट्रीवल मीन्स दैट यू आर जस्ट रिमेंबरिंग और मेमोराइजिंग द थिंग दैट वर दैट यू हैड एक्सपीरियंस इन योर पास्ट राइट वो चीज़ें जो हैं आप उनको मेमोराइज़ कर रहे हो लेट्स सपोज की री अ फोन नंबर इमेजिन यू वॉन्ट टू कॉल अ फ्रेंड बट यू डोंट हैव देयर नंबर सेव्ड इन योर फोन एंड यू ट्राई टू रिट्रीव द इन्फॉर्मेशन फ्राम योर मेमरी बाई एक्टिवली थिंकिंग अबाउट इट लेट्स सपोज कि आपने किसी फ्रेंड को कॉल करनी है और आपको उसका नंबर याद नहीं है और ना ही सॉरी आपके पास उसका नंबर सेव नहीं है तो आप क्या करेंगे आप रिटरीवल का प्रोसेस यूज़ करते हुए अपने माइंड में दोबारा से री कॉल करेंगे अपनी चीज़ों को कि क्या मैंने उससे मतलब जब मेरी लास्ट टाइम उससे बात हुई थी तो मैंने उस उसके लिए क्या क्या कौन सा नंबर जो था वो डायल किया उसके क्या लास्ट डिजिट थे और म, उसको मे भी आप विजुलाइज करने लग रहे हो या आप उसकी सिक्वेंस याद करने लग रहे हो तो आप बेसिकली उसके फ़ोन कॉल करने के लिए आप उसकी पुराना जो फ़ोन नंबर है उसको रिकॉल कर रहे हो सो दिस प्रोसेस इज़ एक्चुअली रिट्रीवर इसके अलावा आंसरिंग में टेस्ट क्वेश्चन ऐसे भी होता है कि टेस्ट के दौरान आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपने स्पेसिफ़िक फैक्ट या कंसेप्ट के बारे में बताना होता है और आप उसमें रिट्रीवल पर रिलाई करते हुए आप क्या करोगे यानी कि आप इंफॉर्मेशन को एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है उसकी लिखना शुरू कर दोगे जो भी आपके माइंड में हो, उससे रिगार्डिंग स्टोर्ड है इसके अलावा रिमेम्बरिंग अ पास्ट इवेंट के आप रिट्रीवल में ये भी करते हो कि यू आर जस्ट मेमोराइजिंग योर पास्ट इवेंट कि आपके लाइफ में जो एक्सपीरियंस है आप अपनी कुछ साउंड्स को कुछ इमोशंस को उन चीज़ों को बार बार मेमोराइज़ uh, कर रहे होते हैं या आपको ऐसा होता है कि आप कोई काम कर रहे हो और सडनली आपको कोई ऐसी थाट आ जाती है जो उससे रिलेटेड हो सपोज कि आपने कहीं फ्लावर्स देखे हैं तो आपके लाइफ में कोई ऐसा इवेंट हो जहाँ पे आपने कुछ फ्लॉर्स थी या कोई अच्छी सी मेमोरी थी तो एकदम से आपका एक फ्लैश बैक आ गया ठीक है तो ये बेसिकली uh, रिट्रीवल का प्रोसेस होता है जहाँ पे दैट यू आर जस्ट रिकॉलिंग योर प्रीवियस एक्सपीरियंस और प्रीवियस इंफॉर्मेशन जो आपने प्रीवियसली लर्न की होती है uh, ये इंटरेस्टिंग था इजी सा कंसेप्ट था इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है कुछ भी शेयर करना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना और अपने व्यवहारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में